हेलो गाइस, माय नेम इज लखन एंड आई लव नेचर। दोस्तों, एक नील गाय दिखाता हूँ आपको, सामने खड़ी हुई, जो अगले एक महीने में बच्चा देने वाली है। इसके बाद मैं दूसरी साइड लेके चलता हूँ और कुछ नील गाय और दिखाता हूँ। फिर आपको लेके चलूँगा मैं एक ऐसी जगह जहाँ नील गाय पानी के अंदर खड़ी हुई है और पानी में से चारा चर रही है। चलो उसकी तरफ चलते हैं, ये देखिए। और दूसरी जो वो जो सामने जो पानी के अंदर है वो नर है और जो बाहर खड़ी हुई है वो मादा है। ये मादा भी बच्चा देगी, लेकिन कब देगी? कुछ दिन बाद में। दोस्तों, होता क्या है, ज़्यादातर वीडियो जब मैं डालता हूँ आपको मैदानी क्षेत्र में, खुले एरिया में, खेतों से डालता हूँ जब नील गायों के झुंड होते हैं, लेकिन जब ये नील गाय बच्चा देती हैं तो उससे कुछ दिन पहले, एक दिन, दो दिन, पाँच दिन, दस दिन, बीस दिन, लगभग इतने दिन पहले ये जंगलों में अंदर आ जाती हैं और ऐसी जगह ढूंढती हैं जहाँ कोई शिकारी कुत्ता या कोई इंसान, ज़्यादातर हमारे एरिया में ऐसा कोई बड़ा जानवर तो है नहीं, या तो हाइना जिसे लक्कड़ बुग्गा बोलते हैं, या फिर सियार हो सकते हैं, या डोमेस्टिक डॉग। ये तीन चीज़ से इनको ज़्यादा खतरा है, तो इनसे बचने के लिए ये इन जंगलों में आ जाते हैं। और जैसे ऐसे पानी वानी कहीं भरे होते हैं तो पानी के आसपास को टापू होते हैं, उनमें चले जाते हैं कि वो जानवर अंदर पानी से जाए ना, वहाँ अपने बच्चे देते हैं। बच्चा एक दो दिन में बड़ा हो जाता है क्योंकि इनका दूध पीता है। और इस पानी में भी ऐसा घास है जिसको ये आराम से चरते हैं। तो दोस्तों, एक रिक्वेस्ट आपसे करता हूँ, सब्सक्राइब कर लेना चैनल को। चैनल को सब्सक्राइब करने में कोई खर्चा नहीं आता, सिर्फ मेरा अच्छा होगा, मेरा भला होगा, आप लोगों की प्रशंसा होगी। और दोस्तों, लाइक भी कर देना, क्योंकि ज़्यादातर मैं तो वाइल्ड लाइफ के वीडियोज़ अपलोड करता हूँ। कभी कभी देख लिया करो यार जंगल के वीडियो, इन जानवरों के वीडियो ज़रूर देखा करो, ताकि ये जानवर बचे रहें और प्रकृति भी सेफ रहे। तो दोस्तों, वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और अगली वीडियो का इंतज़ार करें। जब तक इसको देखते रहिए।